ऑफ किसके लिए बना रहे हैं, स्लेटर रूल यानी शील्डिंग, शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेशंस। एक्चुअल में इसको कैलकुलेट करना बहुत सारे रूल्स बन जाते हैं, तो हम इतने सारे रूल्स को नहीं पढ़ना चाहते, हम एक लाइन के अंदर पूरा सब कुछ करना चाहते हैं, और वो भी किससे, स्लेटर रूल से। तो स्लेटर रूल्स, तो ये क्या है, सुपर डुपर ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा। आप इतना तो जानते हैं कि दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एसपी और एक होता है डीएफ। तो ध्यान से सुने, ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, और ऐसे बहुत सारे शेल आपका इंतजार कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे जाते जाते आपके पास क्या हो जाता है, एनएस और एनपी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इस तरफ आप जा रहे हैं तो एन डी के, बस ज्यादा से ज्यादा आपसे डी पे ही पूछा जाएगा, एफ में तो पूछा जा ही नहीं रहा। तो यहां पर आपको क्या करना है, एनएस एनपी में आपको 0.35 मल्टीप्लाई क्या करना है, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन आपको देखना है, पर इलेक्ट्रॉन, बोलो यस और नो। तो यानी कि यहां कंट्रीब्यूशन जो होता है स्लेटर रूल का, वो 0.35 का होता है। उसके बाद ये आपके पास क्या हो रहा है, एन माइनस वन का, तो एन माइनस वन का होता है 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद सभी का कितना होता है, ऑल रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, जल्दी से लिख लिए, वन पर इलेक्ट्रॉन, बोलो यस और नो। तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको। अब इस तरफ एनडी है, एनडी के लिए आपके पास 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, और एनडी को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, भले वो कोई भी एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, एन एस हो, एन पी हो, या कोई भी हो, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन, वन पर इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन। तो कितना इजी हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया, और जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबके लिए वन पर इलेक्ट्रॉन, यानी 0.85 वाली टर्म नहीं होगी। तो ये आपके पास बहुत आसानी से आपके लिए स्लेटर रूल हो गया, सिग्मा। और सिग्मा का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड इक्वल टू, आप जानते हो जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, कोई डाउट। तो ये सुपर डुपर ट्रिक आपके कहां काम आ सकती है, हर जगह स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने में काम आ सकती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स पे आप देख लेते हैं। जैसे आपके पास है जिंक, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, जल्दी से बताइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10, बोलो यस और नो, और 4s2, बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। तो यहां आपके पास सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, एस के लिए, सिग्मा फॉर सिग्मा एस के लिए, बोलो। और यहां पर जिंक के हमारे लिए 1s2 2s2 3p6 रह गया, तो बताइए इसके लिए कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि एक को तो माइनस करना ही पड़ता है, करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, और अगर करना पड़ता है तो यहां हमारे पास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.35, 1, फिर उसके बाद बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये एन माइनस वन वाले, यहां पर क्या होता है पर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या हो सकता है, एस पी डी एफ सब आ सकते हैं। तो बताइए एस पी डी एफ कितने आ रहे हैं, ये टोटल कितने हो रहे हैं, 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 0.85, और बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 1, बोलो यस और नो। तो इजी है या डिफिकल्ट है, इजी है। आगे तो सिग्मा अगर 3d के लिए निकालना है, तो जब 3d के लिए निकालना है तो d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, d के लिए 0.35 पर इलेक्ट्रॉन लेना है सिर्फ nd वाला, तो कितना हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 में से कितने रहेंगे आपके पास, नो, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.35, बाकी सबको क्या कर लो आप, 1 से ऐड कर, 1 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो कितना हुआ यहां तक, 10 और 8 18 मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ, 1, कर लोगे आप। तो कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे कि अगर मैंने स्केडियम देखा, स्केडियम समझते हो आप, स्केडियम में अगर मैंने देखने की कोशिश की तो क्या मैं स्केडियम के लिए निकाल सकता हूँ, 4s के लिए और 3d के लिए, हाँ। तो फिलहाल इसको तो आप कैलकुलेट करके कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यहां एक एक्सेप्शन है, इफ एन की वैल्यू यहां पर 1 हो गई तो 0.30 पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, 0.30 पर इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो अगर कोई हमसे पूछता है मुझे आर चाहिए ऑफ हीलियम एटम, तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, हार
आर हीलियम एटम हम क्या लिखेंगे, ये एग्जांपल हम स्लेटर रूल की तरह से देख सकते हैं. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशंस जल्दी से सोचिए. आर इक्वल टू क्या होता है, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड. तो यहां जेड की जगह क्या लिख देंगे हम, जेड इफेक्टिव एंगस्ट्रम में. क्या आप जानते हो ये बात, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड हमने बोर मॉडल से निकाला है. याद करो एन स्क्वायर बाई जेड था, अब हमने क्या लिख दिया, जेड इफेक्टिव, क्योंकि ये पॉली एटोमिक स्पीशीज हो गई. तो बताइए जेड इफेक्टिव कैसे निकालोगे आप, जेड इफेक्टिव निकालोगे आप जेड माइनस सिग्मा, और जेड की वैल्यू हाइड्रोजन हीलियम के लिए कितनी है, 2, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा हीलियम के अंदर, 1s2 है. तो कितना हो जाएगा, 1 × 0.3530. क्यों, क्योंकि 1s के लिए 30, तो ये कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, 1.7. तो ये जेड इफेक्टिव आ चुका है. तो आर की वैल्यू जल्दी से बताएं, ये तो आपके पास जेड इफेक्टिव हो गया, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0.529 एन स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी है इसके लिए, 1 का स्क्वायर अपॉन जेड इफेक्टिव 1.7 एंगस्ट्रम. तो ये आपके पास रेडियस होगी हीलियम की बोर मॉडल से, कर सकते हो आप, कर लो.